छोड़ेंगे। तो समस्या बताइए कि किस तरह की शिकायत लेकर लोग आपके पास आते हैं? अगर सर्जन के पास जाते हैं तो ज़्यादातर केस में मेडिकेशन के बाद वो लोग सर्जरी करते हैं, और उसमें वो ठीक भी हो सकता है या फिर पैरालिसिस मारने का ज़्यादा डर है, और हम लोग इस चीज़ को एक्सरसाइज से ही ठीक कर देते हैं। बिना उसका सीटी स्कैन किए, अल्ट्रासाउंड किए, इस तरह की रिपोर्ट को देखे कैसे आप समझ सकते हैं कि जो पेशेंट कह रहा है वाकई वही प्रॉब्लम है उसे? एक्सीडेंट होता है या फिर कंप्यूटर पे घंटा काम गर्दन लटका के काम करने के कारण ड्राइवर को, टेलर को, इंजीनियर्स को ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चों में भी हो रहा है। आजकल बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई मोबाइल पे कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ हार्ट के इस खास हेल्थ शो हेल्थ मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रीति। आप स्वस्थ रहें, फिट रहें, यही हमारी तमन्ना है, और इसी तमन्ना के साथ हम अपने इस कार्यक्रम में आपके स्वास्थ्य से जुड़ी किसी एक समस्या पर चर्चा करते हैं और उसके एक्सपर्ट से आपको निदान भी बताते हैं। लेकिन आज का ये एपिसोड थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग इस मायने में है कि बिना इलाज, बिना दवा और बिना सर्जरी के पुराने से पुराने दर्द भी ठीक हो सकते हैं, और इसके जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। तो डॉक्टर साहब से हम जानते हैं कि आखिर किस तरह के दर्द को ठीक कर सकते हैं और किस किस तरह की शिकायतें लेकर लोग इनके पास आते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके न्यूज हार्ट के दर्शकों को भी नमस्कार। और हम लोग हड्डी नस जोड़ के बीमारी, जैसे कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटना का दर्द, सेटी का, कंधा जाम होना, एल्बो का दर्द, रिस्ट का दर्द, इस तरह का सर दर्द, और उसको ये सब बीमारी का इलाज हम लोग करते हैं बिना दवा, बिना सर्जरी के, टोटल एक्सरसाइज से हम लोग करते हैं जी। ये देखा जाता है डॉक्टर साहब के यहाँ, हमने कुछ पेशेंट से भी बात की है, उन्होंने बताया कि वो बहुत जगह इलाज करवा चुके हैं, थक हार के यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ आकर ठीक हो गया। 3-4 क्लास उनको लेना पड़ा और उसके बाद वो ठीक हो गए। तो किस तरह से इलाज करते हैं सर? सबसे पहले तो समस्या बताइए कि किस तरह की शिकायत लेकर लोग आपके पास आते हैं, कैसे कैसे दर्द का निवारण आप करते हैं? जैसे मैंने बताया कि हम लोगों के पास अभी सबसे ज़्यादा कमर दर्द, गर्दन दर्द का, शेटिका का, सर दर्द का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, घुटने का दर्द, अर्थराइटिस, ये सब का पेशेंट बहुत ज़्यादा है। ये सब पेशेंट जो है ये लिविंग स्टाइल, बेड पोस्चर में बैठने के कारण, गाड़ी सही पोस्चर में नहीं चलाने के कारण, या ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड में चलाने के कारण, अगर कोई ब्रेकर आता है या कोई एक्सीडेंट होता है, या फिर कंप्यूटर पे घंटा काम गर्दन लटका के काम करने के कारण, ड्राइवर को, टेलर को, इंजीनियर्स को ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चों में भी हो रहा है। आजकल बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई मोबाइल पे कर रहे हैं, गर्दन झुका के घंटों घंटों पढ़ रहे हैं, तो इस तरह का केस ज़्यादा आ रहे हैं अभी आजकल के समय में हम लोग के पास। और इसका इलाज हम लोग, जैसे आपको ये स्पाइन है, ये स्पाइन में कभी कभी क्या होता है कि ये डिस्क होता है, इसमें छोटा छोटा ये डिस्क क्या होता है, स्लिप करके पीछे इस नर्व को दबाने लगता है। सेम चीज़ कमर और गर्दन दोनों में होता है। कभी कभी ये डिस्क फट भी जाता है, अगर एक्सीडेंट हो गया या कोई हेवी वेट लिफ्ट कर लिया कोई, तो ये डिस्क फटने के कारण इसमें एक लिक्विड होता है जो आके इस नर्व को कंप्रेस करने लगता है। ये इसका दर्द यहाँ से रेडिएट करते हुए ये बैक से होके कभी कभी पीछे नीचे तक आ जाता है, या कभी आगे थाई से होते हुए नीचे नीचे आते लगता है। तो इसका इलाज सबसे पहले लोग अगर सर्जन के पास जाते हैं तो ज़्यादातर केस में मेडिकेशन के बाद वो लोग सर्जरी करते थे, जो कि सर्जरी का सक्सेस रेट थोड़ा कम है, और उसमें वो ठीक भी हो सकता है या फिर पैरालिसिस मारने का ज़्यादा डर है, और हम लोग इस चीज़ को एक्सरसाइज से ही ठीक कर देते हैं, उसको कायरोप्रैक्टिक मेथड से ठीक कर देते हैं। क्या कहते हैं इस पद्धति को? कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट से ठीक करते हैं। तो डॉक्टर साहब कैसे ठीक करते हैं पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। उनके दोनों कंधों में दर्द था और ये कंधा नहीं उठा पाते थे, अभी 3 सेशन इनका हुआ है तो कंधा बिल्कुल उठ पाता है, अब 4th सेशन हम लोग दे रहे हैं। गर्दन एकदम ढीला रखेंगे, ढीला ढीला, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे, छोड़ेंगे।
तो डॉक्टर साहब, अभी हमने देखा कि किस तरह से आप लोगों का इलाज करें, तो क्या आपको कैसे पता चलता है अगर कोई पेशेंट आकर कहता है कि हमें कमर में दर्द हो रहा है, तो बिना उसका रिपोर्ट देखे कैसे आप समझ सकते हैं कि जो पेशेंट कह रहा है वाकई वही प्रॉब्लम है उसको? मैम, सबसे पहले तो हम लोगों के पास पेशेंट सब जगह से थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो लास्ट में उनको कहीं से पता चलता है, अवेयरनेस की थोड़ा कमी है, तो लोग आते हैं तो उन लोगों के पास ऑलरेडी MRI एक्सरे का रिपोर्ट होता है। और केस में जिनका सीवियर नहीं है, जो अपने से चल के आ रहे हैं, उन लोगों को हम लोग एक्सरे MRI कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हम लोग हाथ से चेक करके देख लेते हैं, या पेशेंट के सिम्टम से पता चलता है कि एक्चुअल में उसको प्रॉब्लम क्या है। अगर उसको बहुत ज़्यादा सीवियर है तभी टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज हम लोग हाथ से पालपेट करके देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है, उसके अनुसार पर, अपने अनुभव के अनुसार पर हम लोग इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले उनका देखते हैं कि वो कहाँ से पढ़ाई किए हैं, उन्होंने क्या क्या उपलब्धि है उनकी, तो आपके बारे में भी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे, आपने पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने बैचलर पढ़ाई पटना से किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च से, और मैंने मास्टर की पढ़ाई चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से किया है, मास्टर इन न्यूरो जी। पटना में ही कर जी जी जी। कब से है आपका क्लिनिक? 2017 से है, अभी 5 साल पूरा हो रहा है मेरा यहाँ। तो फी क्या रखा है आप लोगों ने? फी हम लोगों का 300 कंसल्टेंसी होता है और 2500 यानी 2500 रुपये एक दिन के ट्रीटमेंट का खर्च आता है। किसी को कम है तो एक दिन में भी हो जाता है, किसी को ज़्यादा है तो 2-4-5 दिन, यानी टोटल ट्रीटमेंट का 12 से 15 हज़ार ही खर्च आता है, इससे ज़्यादा किसी का नहीं आता है। किसी को थोड़ा प्रॉब्लम है तो 2 से 3 हज़ार में वो ठीक हो जाता है। बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनके लिए 10,000-12,000 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उतना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग फ्री कैंप करते हैं, और फ्री कैंप एक दिन का नहीं होता है, कम से कम 5 दिन का होता है, जिसमें पेशेंट का टोटल ट्रीटमेंट हो सके। ऐसा नहीं है कि एक दिन हम लोग ट्रीटमेंट किए, उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, बाद में सेकेंड सेशन के लिए हम लोग पैसा लेके बुलाए कि आप कल से पैसा देके कीजिए, ऐसा नहीं। हम लोग पूरा कम्प्लीट सेशन फ्री ऑफ सेशन करते हैं और गरीब लोगों के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं जी। डॉक्टर पेशा के साथ साथ समाज सेवी भी हैं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बताइए कि दर्द की बात आप कर रहे हैं, कि आपने बताया कि किस तरह के दर्द की शिकायत लेकर लोग आते हैं, लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट की वजह से पुरानी चोट है और उसमें अभी दर्द हो रहा है, तो वो भी क्या यहाँ पे ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। सबसे पहले उन पेशेंट को आना होगा, हम लोग देखेंगे दर्द का कारण क्या है, मस्कुलर पेन है, ज्वाइंट में पेन है, बोन में फ्रैक्चर तो नहीं है, या फ्रैक्चर था तो पूरा हीलिंग हुआ है या नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, कार्टिलेज का इशू हो सकता है, उसमें साइनोवियल फ्लूइड का इशू हो सकता है, स्टिफनेस हो सकता है, तो ये देखने के बाद ही निर्णय हो जाता है कि वो ठीक होगा कि नहीं। लेकिन ज्यादा है तो फिर क्या? फ्रैक्चर है तो सबसे पहले फ्रैक्चर को हीलिंग के लिए हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन को रेफर करते हैं, वो उनका केस है, वो अपना देखेंगे, और फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते हैं। ऑपरेशन के बाद की जो समस्याएं आती है, जैसे कोई ज्वाइंट जाम हो गया, खुल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, कई बार आप देखे होंगे कि किसी का हाथ में प्लास्टर लगा, उसके बाद हाथ उठ नहीं रहा है, प्लास्टर एल्बो का हुआ और उठ नहीं रहा, चूँकि 1 महीने तक वो रेस्ट में रहता है, फिर उठ नहीं पाता है, उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। कोई भी जोड़ों में दर्द है, या मस्कुलर पेन है, नर्व में प्रॉब्लम है, चक्कर आ रहा है, वोमिटिंग टेंडेंसी है, सर्वाइकल गर्दन में दर्द है, कमर में नस दबा हुआ है, इस तरह का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। अगर फ्रैक्चर है तो वो केस ऑर्थोपेडिक का है, वो लोग देखते हैं। कहाँ से अब तक पेशेंट आ चुके हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ इंडिया के लगभग सारे स्टेट से आते हैं, और विदेश से भी आते हैं, दुबई से, यमन से, श्रीलंका से भी आए हुए हैं, पाकिस्तान से बहुत सारे कॉल आए हैं, लेकिन अभी पेशेंट नहीं आए हैं, नेपाल से आए हैं, भूटान से आए हैं, इस सब देश से पेशेंट आते हैं, और इंडिया के लगभग हर राज्य से आते हैं। अभी भी आप देखेंगे तो 4-5 राज्य से पेशेंट आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। जो सब कैसा महसूस होता है जब पेशेंट ठीक हो के जाते हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है। सबसे पहले कोई रोते हुए मेरे यहाँ आता है, कई बार क्या होता है कि पेशेंट को 4 लोग टांग के लेके आते हैं, पेशेंट बैठ नहीं पाता है, सो नहीं पाता है, बेचैनी में रहता है, वो 2 से 3 दिन में वो जब उसके चेहरे पे मुस्कान आती है या वो चलता है, चल के जाता है अपने पैरों पे, तो बहुत खुशी होती है, और बहुत सारे पेशेंट लोगों का दुआ भी मिलता है हम लोगों को, तो ये और अच्छा लगता है। तो अभी पटना में कितने जगह आपकी क्लिनिक है? बस यहीं पे है, ये बॉम्बे डाइंग बिल्डिंग, कॉलोनी मोड़, कंकड़बाग, पटना, बेसमेंट फ्लोर पे है, और एक और सेंटर मेरा B136 PC कॉलोनी कंकड़बाग है, वहाँ हम लोग पेशेंट को एडमिट रखते हैं, जो दूर के पेशेंट हैं वो लोग रहते हैं सिर्फ, और ट्रीटमेंट सिर्फ यहीं होता है।
रहने की भी सुविधा आप? रहने का हम लोग, चूँकि दूर दूर से पेशेंट आते हैं तो सारे लोग होटल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि होटल में लिफ्ट अगर नहीं है तो दो फ्लोर चलना है ऊपर, तो फिर उनको दिक्कत होता है। तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे उसका कंप्लीट व्यवस्था किए हैं ताकि लोग दूर से आए तो रह के अच्छे से इलाज करा पाए, कम पैसा में इलाज करा पाए। आपको कभी इस तरह की शिकायत भी सुनने को मिली है कि आपने जो ट्रीटमेंट दिया उसकी वजह से हमारा दर्द और भी बढ़ गया? कई बार पहला सेशन लेने के बाद कई लोगों का दर्द बढ़ भी जाता है, तो वो 2-3 दिन सेशन के बाद ठीक हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने पे तो दर्द बढ़ने का संभावना होता है। कई बार आप देखेंगे, आपको आदत नहीं है जिम जाने में, अगर जिम जाते हैं तो 2-3 दिन तक दर्द हो जाता है या फीवर आ जाता है, पैदल चलने का आदत नहीं है चलेंगे तो। उसी तरह ये एक्सरसाइज से ट्रीटमेंट है, तो ऐसा नहीं है दर्द, वो दर्द ना शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो किसी किसी में बढ़ता है और ज़्यादातर मरीज में तो पहला सेशन से ही बहुत आराम हो जाता है। बाद आप घर पे कोई एक्सरसाइज या फिर खान पान में कुछ ऐड करने या फिर कुछ हटाने की भी सलाह देते हैं? अगर कई बार देखा जाता है कि पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उन लोगों को खाने के परहेज बताया जाता है, अदरवाइज सबको सब कुछ खाने के लिए हम लोग बोलते हैं जी। और कैसे पता चलता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्या आप टेस्ट करवाते हैं? जी, ज़्यादातर मरीज लोग तो टेस्ट करा के लेके ही आते हैं, और जिसमें ये लगता है कि दर्द कम नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वो नॉनवेज खाते हैं, पेशेंट से हम लोग पूछते हैं, उस केस में हम लोग टेस्ट भी करवाते हैं यूरिक एसिड का, तो पता चलता है कि हाँ यूरिक एसिड कम है या ज़्यादा है या कैल्शियम कम है, तो उस तरह हम लोग बताते हैं कि आपको ये खाने में लेना है, ये खाने में अवॉइड करना है। जैसे आपने फ्री कैंप के चर्चा की, तो हम लोग अभी 20 तारीख को मुजफ्फरपुर में फ्री कैंप कर रहे हैं, तो वो लोग भी आके आपके दर्शक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज वहाँ नहीं है। और 17 फरवरी को हम लोग कर रहे हैं बेतिया में, और 19 फरवरी को हम लोग कर रहे हैं मोतिहारी में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी वहाँ नहीं लगेगा। और दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप बिना फी दिए हुए जानना चाहते हैं कि मेरा ये बीमारी है, ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है, अपना MRI रिपोर्ट भेजना चाहते हैं, एक्सरे रिपोर्ट भेजना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पर आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लोग आसानी से कर लेंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के नाम से, वहाँ भी आप लोग कमेंट बॉक्स में नंबर वगैरह दे सकते हैं, डाल सकते हैं, अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, उसका फ्री सलाह दिया जाता है। जब भी हम खाली होते हैं वो लोगों को कॉल करते हैं और उनकी समस्याएं जानते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तो आपने बताया कि किस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन हम कुछ पेशेंट से भी बात करना चाहेंगे कि उनका क्या फीडबैक है, उन्हें किस तरह का फ़ायदा हुआ है और कहाँ कहाँ से वो आए हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप फीडबैक लें। जो आपके साथ हुआ उसमें आपको दर्द भी हुआ? नहीं मैम, दर्द नहीं। क्या प्रॉब्लम है आप? दोनों कंधा पूरा उठता नहीं था। तो कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो 4 दिन बाद, 9 तारीख से आ रहे हैं। तो अभी तक कितना क्लास हुआ आपका? अब तो ठीक है मैम, 4 बार हो गया। अच्छा, शुरू में तो दर्द हुआ होगा ना? जी मैम, दर्द हुआ था 1-2 दिन। अच्छा, 2 दिनों तक दर्द रहा? जी मैम। क्या प्रॉब्लम है आप? कमर में दर्द था, नस नस दबी हुई थी कमर की। क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हूँ। झुक के पढ़ने की वजह से दर्द हुआ है। हाँ, 9 जनवरी से। क्या फ़ायदा हुआ अभी तक? पहले से दर्द थोड़ा कम है, कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम हुआ है, और जहाँ जहाँ दर्द था दूसरी जगह पे बॉडी के, वो सब भी ठीक है पहले से। आपने इससे पहले कहीं डॉक्टर को दिखाया? देवघर में दिखाया था, उन्होंने बोला बस नस दबी हुई है, लेकिन कुछ खास बस दवा दे के छोड़ दिया। नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। क्या नाम है आपका? शिखा कुमारी। आप कहाँ से आए? जीयूपी से आए। क्या दिक्कत थी? हमारा वही कमर में प्रॉब्लम था। कब से था? सन 19 से प्रॉब्लम था हमारा। 19 से सन 19 से 2019 से। जी जी जी। आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ, डॉक्टर को तो बहुत दिखाए थे, लेकिन सही नहीं हुआ था। अभी यहाँ आने से सही है, मतलब 3रे दिन के बाद हमारा दर्द नहीं रहा, नहीं तो चलने में, बैठने में, उठने में, हर चीज़ में मतलब दिक्कत ज़्यादा था।
अभी नहीं है, अभी सही है हम। बताइए इसमें खर्च कितना हुआ आपका? वही 15,000 रुपये। जी पहले कितने खर्च हुए? उसके पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ था खर्च, 70-80 हज़ार रुपये खर्च किए थे। कैसे पता चला आपको, आप यूपी से हैं, यहाँ डॉक्टर साहब के बारे में कैसे? जी हम यूट्यूब द्वारा आए हैं यहाँ, यूट्यूब द्वारा आए हैं। जी मैं कतर में था तो वही मैं मोबाइल पर ही देख के आया, तो 4 तारीख को मैं कतर से आया और नंबर पहले लगवा दिया था, तो फिर मैं यहाँ आ गया 9 तारीख को। बिल्कुल, डॉक्टर साहब से अगर आप मुफ्त में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डॉक्टर साहब का नंबर और एड्रेस मेंशन कर दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और डॉक्टर साहब से बातचीत को आज हम ये समाप्त करते हैं, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। लेकिन ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें